गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में जानेंगे। औपचारिक पत्र लिखते समय कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि औपचारिक पत्र लिखने में पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, अतः इस प्रकार के पत्रों में नपी तुली भाषा का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं, कि आप कैसे हैं, किस तरह से हैं, हाल चाल नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ मुख्य बातें ही उसमें रखनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, पत्र का आरंभ और वह अंत प्रभावशाली होना चाहिए, इफेक्टिव। तीसरी चीज, पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होने चाहिए। फिर आगे है, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो अपने पते के स्थान पर कक्षा अथवा परीक्षा भवन का ही उल्लेख करें और अपने नाम के स्थान पर कक्षा लिखना चाहिए, यानी कि जहां से आप पत्र लिख रहे हैं उस कार्यालय का, परीक्षा भवन का या स्कूल का नाम देना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से लिखना चाहिए, लेफ्ट साइड से। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता बनी रहे, एक ही पेज में लगभग उसे समाप्त कर देना चाहिए। दो पेज से क्या होता है कि पत्र दो भागों में बंट जाते हैं। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। यदि प्रार्थना प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो अब यहाँ पे हम एक पत्र का नमूना लेते हैं, जिसमें विद्यालय छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। अब अगर विद्यालय छोड़ने के लिए हम प्रमाण पत्र चाहिए तो ये प्रधानाचार्य को ही हमको पत्र लिखना होता है। उसके लिए हम प्रेषक के स्थान पे अपना एड्रेस लिखेंगे, जिसमें 17/8 गीता भवन, शांति कुंज, सेक्टर 12, द्वारिका, नई दिल्ली। ये तो प्रेषक का पता हो गया। फिर उसके ठीक नीचे ही हमको ये सब लेफ्ट साइड कॉर्नर से ही शुरू करना चाहिए। फिर दिनांक, दिनांक में 28 मई 2000 जो भी हो वो लिखने के बाद हम आगे की तरफ चलते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है, किसको हम पत्र लिख रहे हैं। वहां पे सेवा में प्रधानाचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेक्टर 3, द्वारिका, नई दिल्ली। यहाँ पे ये जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका पद, नाम और वहाँ का एड्रेस या पता लिखा हुआ है। फिर उसके नीचे हम यहाँ पे विषय लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट में विद्यालय छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र, विद्यालय छोड़ने के लिए प्रमाण पत्र या प्रार्थना पत्र, ऐसा करके। अब उसके नीचे एक लाइन छोड़ के हम संबोधन करके करते हैं, क्योंकि प्रधानाचार्य को कर रहे हैं तो वहाँ माननीय महोदय या महोदया करके। अगर मेल है, पुरुष वर्ग है तो महोदय, और स्त्री वर्ग या फीमेल है तो महोदया का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम जो लिखना है पॉइंट। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं ब की का छात्र हूँ या की छात्रा हूँ, जो भी हो। मेरे पिताजी का तबादला दिल्ली से मुंबई हो गया है, यानी कि यहाँ से मुंबई चले गए हैं, हमारा परिवार मुंबई जा रहा है।
इस कारण मुझे यह विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इतना करने, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें जो है, आगे में हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, आशा है आप मेरी प्रार्थना शीघ्र ध्यान देंगे, मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ पे हम धन्यवाद, धन्यवाद के नीचे अब बौद्धिया में या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य या आज्ञाकारी शिष्य के रूप में हम जो लिखेंगे, भावना या क ख ग जो भी है, ठीक है, कक्षा लिख देंगे, कक्षा सातवीं ब या आठवीं ब छठी ब जो भी है, उस चीज को हम उल्लेख करेंगे। तो इस तरह से हम पत्रों का समापन करते हैं।